जिसने भी महाभारत पढ़ी या देखी होगी उन्हें अश्वत्थामा के बारे में बिल्कुल पता होगा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। इनकी एक गलती के कारण श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें श्राप दे दिया कि दुनिया के अंत होने तक इनकी आत्मा भटकती रहेगी। आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा भटक रही है, हालांकि इसका कोई प्रमाणित सच नहीं मिलता। फिर भी कई लोगों द्वारा कई जगह पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया गया है। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा यहाँ पर आज भी भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि किले के अंदर एक तालाब भी स्थित है जहाँ पर अश्वत्थामा पूजा करने से पहले नहाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जिसने भी अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। केवल यही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गोरीघाट किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का दावा लोगों के द्वारा किया गया है। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अपने सिर पर लगे घाव से निकलने वाले खून को बंद करने के लिए हल्दी और तेल यहाँ के लोगों से मांगते हैं। हालांकि उनके बात में कितनी सच्चाई है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। अश्वत्थामा के भटकने की कहानी आज भी रहस्यमय बनकर रह गई है।